पृथ्वी पर ऑक्सीजन की प्रचुरता पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से ही संभव है। ऑक्सीजन बढ़ाने का सबसे कारगर उपाय प्रकृति की सुरक्षा एवं संवर्धन है। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ खास। पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेने वाले देवघर के गोविंदपुर निवासी 80 वर्षीय बलराम शाही, वे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उन्होंने 5 हेक्टेयर बंजर पथरीले जमीन पर लगभग 60 वर्षों के अथक प्रयास के बाद 5000 पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। उनके इस बगीचे में फलदार पेड़ों के अलावे बरगद, पीपल, महगुनी के साथ साथ 22 प्रजाति के बांस लगे हैं। उनके द्वारा कुल 112 प्रजाति पेड़ इस बंजर भूमि पर लगाए गए हैं, जो अब न केवल बड़े होकर पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, वरन पेड़ों की छाया में बहुत से जीव जंतु भी संरक्षित हो रहे हैं। राज्यवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची काके रोड स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। हम सभी को पर्यावरण संतुलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा मनुष्य जीवन से जुड़ा है। पर्यावरण का संरक्षण हम सबको सामूहिक जिम्मेदारी है। हर हाल में राज्य में हरियाली बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें आने वाली भावी पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प आज लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य को और अधिक गहरा करने के लिए प्रेरित करता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हम लोगों ने हर साल की भांति इस बार भी वृक्षारोपण का काम किया है। देख रहे होंगे आसपास हमारे जितने भी पेड़ हैं, ये सब हम लोगों ने हर साल एक एक अपनी कुछ योगदान देने का प्रयास किया है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। और मेरी ओर से अपील है कि हमें हर हाल में अपने इस राज्य को हरियाली बनाए रखना होगा। इसी में हमारी पहचान और मानव जीवन का संरक्षण संभव है। साथ ही रांची के SSP, सिटी SP, ग्रामीण SP, कोतवाली SSP, CCR SSP, बेड़ो थाना प्रभारी मनीष कुमार ने भी वृक्षारोपण किया। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकालकर वृक्षारोपण किया। धुमकुड़िया करमटोली के तत्वाधान में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा एवं आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा शामिल हुए।